हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 33 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से शिवाजी महाराज जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे तो आप पहले 3 लिख दीजिएगा और प्यारे बच्चों हो सके तो आप मेरे साथ ही बनाते रहिएगा। अगर आप मेरे साथ बनाते हैं तो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से शिवाजी महाराज जी का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, 1 3 यहाँ पे लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको जो है आज स्टेप बाय स्टेप शिवाजी महाराज जी का चित्र बनाना सिखाऊंगा। तो आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है शिवाजी महाराज जी की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि शिवाजी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ पे हुआ था, यानी कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था और किस प्लेस पे हुआ था। यहाँ 33 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से इस 33 को हमें बहुत ही आराम से ऐसे मिला देना होगा। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ एक आप ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे भी आपको ऐसे एक हाफ सर्किल ड्रॉ करना होगा। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक ऐसे नीचे की तरफ लाइन ले जाइएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हमें जो है ऐसे अंदर की तरफ यहाँ तक कर देना है। अगर प्यारे बच्चों अगर आप केवल वीडियो को केवल देख रहे हैं तो देखिए मत, आप जो है मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ अगर आप बनाएंगे तो आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर इसको हमें जो है यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसी तरह हम इसको यहाँ पर भी मिला देंगे। मिलाने के बाद सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी रिपीट करना होगा। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद भी आपको जो है यहाँ पे भी बीच में ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना है। लाइनें ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे आपको ऐसे सर्किल ड्रॉ कर देना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको हमें ऐसे मिला देना है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ से भी एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, फिर इसको हमें जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हुए यहाँ तक ऐसे कर देना होगा। फिर इसको भी हमें ऐसे मिला देना होगा अंदर की तरफ करते हुए। फिर एक हाफ सर्किल और आपको ड्रॉ करना होगा, इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इसको जो है हमें ऐसे अंदर की तरफ कर देना होगा। अंदर की तरफ करने के बाद अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको हमें जो है ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ लाइन निकालते हुए फिर यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करते हुए एक बाहर की तरफ छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको ऐसे अंदर की तरफ हम घुमा देंगे। घुमाने के बाद प्यारे बच्चों इसको भी ऐसे अंदर की तरफ एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर देना होगा। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी आपको जो है ऐसे एक हाफ सर्किल ड्रॉ करना है, फिर इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे ले जाइए। फिर ऊपर की तरफ ऐसे हम उठा देंगे। उठाने के बाद प्यारे बच्चों इसको हमें ऐसे डबल कर देना होगा। यहाँ तक ऐसे डबल करिए, यहाँ तक तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसे सी लिख देंगे, सी की हेल्प से शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे ईयर बन जाएगा। ईयर बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको जो है हमें ऐसे हल्का सा छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद भी यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, इसको अंदर की तरफ ले जाइए, फिर यहाँ पे ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे ले जाइएगा। फिर इसको हमें जो है इस वाले लाइन से मिला देना होगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब देखिएगा इसके नीचे आपको छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद पहले तो आप यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। सर्किल ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों अब देखिएगा यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे ऐसे डबल कर देना होगा प्यारे बच्चों। डबल करने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको हमें ऐसे मिला देना होगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे देखिएगा इसको हमें जो है ऐसे और ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे बगल में जो है आपको हेयर ड्रॉ कर देना होगा शिवाजी महाराज का। यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। अब हम बना देंगे यहाँ पे जो है इनका आई। आई बनाना बहुत ही आसान तरीका है, एक ऐसे लीफ शेप में आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर इसको मार्कर की हेल्प से आप ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आईब्रो बना दीजिए और छोटी छोटी यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज बनके तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम जो है इनको शेयर करना भी सीख लेते हैं।